सर्दियां आते ही हमें सबसे पहले याद आती है मूंगफली। मूंगफली खाना सभी को पसंद है, चाहे मूंगफली की बनाई हुई कोई भी रेसिपी खाएं। और उसमें सबसे ज्यादा पसंद होती है हम लोगों को गुड़ वाली चिक्की, जो कि सिर्फ दो इंग्रेडिएंट से बनाई जाती है। तो फ्रेंड्स, आज हम उसी मूंगफली की चिक्की को आपके साथ शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं मोनिका आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल माही खाना खजाना में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स, मूंगफली की चिक्की बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर ये 250 ग्राम मूंगफली ली है, आप किसी बॉल से भी नाप सकते हैं। इसको अब हम रोस्ट करेंगे। गैस पे एक पैन रखेंगे और मूंगफली को अच्छे से रोस्ट करेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए गैस पे हमने पैन रख दिया है। अब हम अपनी मूंगफली को कढ़ाई में ऐड करते हैं और इनको अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अब हम गैस के फ्लेम को मीडियम फ्लेम पर रखना है और अपनी मूंगफली को अच्छे से भून लेना है। फ्रेंड्स, मूंगफली भूनने में ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का समय लगेगा। मूंगफली को धीरे धीरे भूनते रहेंगे। तो मूंगफली को हमें किसी घी में या किसी ऑयल में नहीं भूनना है, इसको ड्राई रोस्ट करना है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी मूंगफली जैसे जैसे भूनती जा रही है, वैसे वैसे मूंगफली का कलर भी चेंज होता जा रहा है। फ्रेंड्स, ये देखिए मूंगफली को भूनते भूनते हमारी मूंगफली अच्छे से रोस्ट होने लगी है, और ये देखिए फ्रेंड्स, इसका छिलका भी अच्छे से उतरने लगा है। इस स्टेज में हमें मूंगफली को लेके आना है। तो फ्रेंड्स, अब हम गैस की फ्लेम को बंद करते हैं और मूंगफली को किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, ये लीजिए, हमने मूंगफली को एक प्लेट में निकाल लिया है। अब इसको ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद हम इसके छिलकों को निकाल देंगे। फ्रेंड्स, अब हम मूंगफली को ऐसे रब करके इसका छिलका उतार देंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी सारी मूंगफली का छिलका अच्छे से निकल गया है। अब हम इसको एक छलनी में छान लेंगे ताकि छिलका अलग हो जाए और मूंगफली के दाने अलग हो जाए। फ्रेंड्स, ये लीजिए हमने मूंगफली के दानों को अच्छे से छान लिया। तो चलिए अब आगे का प्रोसेस करते हैं। गैस पे एक पैन रखते हैं और पैन में गुड़ ऐड करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने 250 ग्राम मूंगफली ली है, तो उसी रेशियो में हमें गुड़ लेना है। दोनों की रेशियो बिल्कुल सेम होगी। अगर हम 300 ग्राम मूंगफली लेंगे तो 300 ग्राम ही हम गुड़ लेंगे। तो आप किसी कटोरी से भी दोनों चीजों को सेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए गुड़ वैसे तो मोटा आता है, लेकिन मैंने ग्रेट कर लिया है इसको ताकि इसको मेल्ट होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर कहीं छोटा कहीं मोटा होता है तो वो जलने का भी डर रहता है, इसको जलने का डर भी नहीं रहेगा। अब हम इसे कढ़ाई में डालेंगे और यहां पर हम इसमें 1 चम्मच पानी ऐड करेंगे। हमें ज्यादा पानी का यूज नहीं करना है, सिर्फ 1 चम्मच ही पानी डालना है। अब हम इसको धीरे धीरे मिक्स करेंगे जब तक ये मेल्ट नहीं हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए गुड़ जैसे जैसे गर्म होता जाएगा वैसे वैसे मेल्ट होने लगेगा। इसको हमें लगातार चलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे लग जाएगा। फ्रेंड्स, इतने हमारा गुड़ मेल्ट हो रहा है, इतने हम इन मूंगफलियों को थोड़ा सा कटोरी की या ग्लास की तली से हल्का हल्का जरजरा सा पीस लेंगे। सारी को नहीं पीसना है, थोड़ी सी मूंगफली को हम जरजरा सा कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा गुड़ धीरे धीरे मेल्ट होने लगा है। अब हम इसको धीरे धीरे ऐसे ही चलाते रहेंगे। फ्रेंड्स, हमें धीरे धीरे इसको पकाते रहना है, और इसको हमें जब तक पकाना है जब तक ये जैसे क्रंचीनेस हल्का सा ठंडा होने पर हम इसको तोड़े तो ये क्रंची होने लगे। फ्रेंड्स, ये देखिए गुड़ को पकाते पकाते हमें लगभग 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब हम एक कटोरी में पानी लेंगे और उसमें गुड़ का थोड़ा सा हिस्सा डाल के देखेंगे और फिर इसको ठंडा होने देंगे। उसके बाद इसको हाथ में लेंगे और इसको तोड़ के देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए ये अभी खिंच रहा है, ये अभी टूट नहीं रहा है, तो अभी इसको हमें थोड़ा सा और पकाना है। इसको ऐसे ही पकाते रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप पकाएंगे नहीं तो गुड़ में जलने की स्मेल आने लगेगी, इसलिए इसको कंटिन्यूअसली पकाना बहुत ही जरूरी है।
फ्रेंड्स ये देखिए वापस से मैंने 2 मिनट के लिए इसको पकाया है। अब हम वापस फ्रेंड्स ये देखिए मैंने दोबारा से गुड़ को जो डाला था उस गुड़ को हम तोड़ के देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये अच्छे से टूटने लगा है, इसका मतलब हमारा गुड़ चिक्की बनने की कंसिस्टेंसी में आ चुका है। तो अब हम इस स्टेज में इसमें अपनी मूंगफली को ऐड करते हैं और इनको अच्छे से मिक्स करते हैं। गैस की फ्लेम को हम यहां पर बंद कर देंगे। फ्रेंड्स अब हम अपने किचन काउंटर पर हल्का सा घी से ग्रीस करेंगे। और हमारा जो मिक्सचर है इसको किचन काउंटर पर अच्छे से फैला देंगे। फ्रेंड्स अब हमें इसे बेलन से धीरे धीरे बेलना है। फ्रेंड्स ये देखिए हमने बेलन से किचन काउंटर पर अच्छे से चिक्की को फैला दिया है। अब इसके ठंडे होने का इंतजार करेंगे। फ्रेंड्स इससे पहले ये ठंडी हो हम इसमें थोड़े से कट लगा देते हैं ताकि बाद में हमें निकालने में कोई दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स ये लीजिए हमने कट भी लगा दिए हैं। फ्रेंड्स ये देखिए हमारी चिक्की अच्छे से सेट हो गई है। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स ये लीजिए हमारी सारी चिक्की बनके तैयार है। तो फ्रेंड्स ये लीजिए हमारी सारी चिक्की बनके तैयार है। तो फ्रेंड्स ये लीजिए हमारी मूंगफली की चिक्की बनके तैयार है। आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। तो फ्रेंड्स कल मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।